हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंच ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया एक स्नैक, क्रिस्पी मारू भजिया। बहुत ही बढ़िया लगते हैं चाय के साथ में, इवनिंग टी या फिर स्नैक, ऐसे ही आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और इजीली अवेलेबल किचन इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ में मैं क्यूकम्बर चटनी भी बताऊंगी। बनाना बहुत ही ईजी है, इसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलीशियस है। तो आप इसे जरूर बनाइए। मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पिंच ऑफ फ्लेवर्स को। तो चलिए आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो हमें चाहिए पोटैटोस, थिन राउंड शेप में इन्हें काट लीजिए अच्छे से धोके। उसके बाद आइस डाल लीजिए। 1 कप हमें बेसन चाहिए, राइस फ्लोर चाहिए 1/3 कप, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून। ये सबसे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगा हमारा बैटर। अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। 1 लेमन लिया है मैंने इसमें, सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, ग्रीन चिली क्रश की हुई 5 से 6 मैंने यहाँ पे ली है, गार्लिक क्रश किया हुआ 4 क्लोव्स का है यहाँ पे, अब चॉप्ड कोरिएंडर 6 टेबल स्पून, फाइनली चॉप कर लीजिएगा, कैरम सीड्स अजवाइन 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, शुगर चाहिए 1 टीस्पून। अब सारे चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पोटैटो स्लाइसेस लिए थे उन्हें इसमें डाल दीजिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अगर मिक्सचर अच्छे से बाइंड नहीं हुए हो तो थोड़ा सा आइस वाटर फिर से इसमें डाल दीजिए। ये जो मिक्सचर है, देखिएगा पोटैटो को इसमें इस तरीके से चिपक जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ना रनी होगा ना ही ज़्यादा टाइट होगा। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपको जिस तरीके का चाहिए, ये देखिए ये थोड़ा कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड में लगे हुए रहेंगे मिक्सचर, तो हमारा ये जो मारू भजिया है अभी डीप फ्राई होने के लिए रेडी है। चलिए, एक कढ़ाई में आप तेल गरम करने के लिए बिठा दीजिएगा। उसके बाद मारू भजिए को ऐड कीजिएगा। मीडियम आंच पे पकाते हैं, गोल्डन जो कलर आएगा दोनों साइड से आएगा, इवनली आएगा, तब हमारा मारू भजिए रेडी हो जाएगा। तब तक हम क्यूकम्बर चटनी बना लेते हैं। एक बड़ा साइज का क्यूकम्बर ले लीजिए, काट के इसमें डाल दीजिए। उसके बाद टोमेटो ले लीजिए एक बड़ा वाला, उसे डाल देंगे। अब कैरेट डाल देंगे, एक बड़ा वाला कैरेट हमने यहाँ पे लिया है। अब इसमें एक गार्लिक क्लोव डाल देंगे। अब धनिया पत्ती आप खूब सारा डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिए हैं उन्हें डाल दिया है। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने लिया है। अब थोड़ा सा पानी लीजिएगा, 1 से 2 टेबलस्पून काफी है। अब इसे ग्राइंड कर लीजिए एक ब्लेंडर में। चलिए, अब हमारे मारू भजिया ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं, दोनों साइड से इवनली कुक हो चुके हैं। अब एक स्पिटुला की मदद से अब एक्सेस ऑयल को ड्रेन आउट कर दीजिए। एक टिश्यू पेपर ले लीजिएगा प्लेट के ऊपर। ये देखिए क्या बढ़िया कलर आए हैं फ्रेंड्स, मेरे तो मुंह में एकदम पानी आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, तुरंत इसे सर्व कीजिए चटनी के साथ में, बहुत ही बढ़िया लगेगा। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी रही, कैसी लगी आपको, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।